नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 63rd बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसमें 924 लोगों का इंटरव्यू हुआ था और फाइनली जो है अगर आप देखेंगे तो मौखिक और साक्षात्कार में कुछ 824 लोग शामिल हुए। 924 को जो है बोला गया था, 100 लोग यहाँ पे एबसेंट रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ लोगों के 9 और उम्मीदवारों के साथ कुछ दिक्कतें हैं, फाइनली रिजल्ट ये है। श्रीयांश तिवारी जी जो है, मैंने आपको बताया अभी जैसे कि यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने खुद रिकॉग्नाइज किया है। एक्चुअली श्रीयांश तिवारी जी ने ही मुझे पूरा रिजल्ट बता दिया था रात में ही, करीबन 3-4 बजे। लेकिन फिर मैंने उसको जो है PDF बना के टेलीग्राम में शेयर भी किया फिर, लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा कि जब तक ऑफिशियल ना आ जाए तब तक आप मत करिए। वैसे ही मेरे ऊपर लोगों की जो है निगाहें ज़्यादा रहती हैं। तो एग्जैक्टली यही रिजल्ट था, और भी कई सारे सिलेक्शन हुए हैं BPSC के, वो सब आपको टेलीग्राम में बता दिए जाएंगे। लेकिन रैंक 1 स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसोसिएट होना ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है ये। श्रीयांश त्रिवेदी तिवारी जी को प्लस जो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के और प्लस जो कहीं के भी हुए हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है कट ऑफ मार्क। कट ऑफ देखिए जो है मेंस में कितना गया है 504 और फाइनल जो है कितना गया है 588। अनरिजर्व फीमेल का गया है 494 और फाइनल गया है 575। SC का गया 444, फाइनल गया 553 और SC फीमेल का 428, 525 फाइनली। ST का है ज़्यादा थोड़ा, मतलब SC के आसपास ही है। ST का है 491 और जो है फाइनल है 575। ST फीमेल का है 464 और ये जो फाइनल है 547। EBC का 466 और जो है फाइनल है 564। EBC फीमेल का 450 और जो है फाइनल है 554। BC का 491 है और फाइनल है 595। ठीक है, BC फीमेल का है 485 और फाइनल है 588। BCL का 465 और फाइनल है 564। बाकी डिसेबल कैटेगरी का आप देख सकते हैं 409 सिक्स वाला जो है और 481। DD का है 402, 484 और OH का है जो आपका 442 और 549। ग्रैंड चाइल्ड एक्स फ्रीडम फाइटर के 456 और 571। तो ये है फाइनली कट ऑफ। ठीक है, ये जो है ये मेरे पास रिजल्ट, मैंने शुरू सुबह ही पब्लिश कर दिया था 3 बजे। काफ़ी पहले से कई बार चीज़ें आ जाती हैं लेकिन बस ये है कि ऑफिशियल जाना होता है, क्योंकि ऑफिशियल हमारे चीज़ में रहते हैं कि ऑफिशियल जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है और इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के फॉलोअर हैं तो प्लीज़ हमारा ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विस। कई बार मैं इसमें वीडियो तो देता ही हूँ बहुत सारे, लास्ट टाइम पे PDF भी दे देता हूँ। ये और भी सिलेक्शन हुए हैं कुछ अभी तक जो जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है। एक सत्य प्रकाश हैं, इनका जो है लेबर सुपरिटेंडेंट में हो गया है। और ये जो है मैं सुबह ही, मतलब ये सब चीज़ें देखिए दिखा देती है। ये कहाँ गए, ये उन्होंने खुद ही बताया था और उनकी जो है व्हाट्सएप की पूरी वो भी है। और जल्दी ही मतलब श्रीयांश तिवारी जी का इंटरव्यू भी होगा आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि पहली बात तो ये बिहार के हैं ही नहीं, ये है महोबा के। ठीक है, और इनका डोमिसाइल है MP का और MP के एक स्टूडेंट ने बिहार PCS में टॉप किया है, वो भी नंबर 1 रैंक। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, मतलब अभी तक शायद मैंने नहीं देखा था कहीं भी। अगर आपको पता हो पहले तो बताइएगा, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा था कि किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट ने दूसरे स्टेट में जाकर टॉप कर दिया हो। ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये है, जनरली ऐसा माना जाता है कि स्टेट PCS में जिस स्टेट के, मान लीजिए जैसे राजस्थान गए तो राजस्थान का ही टॉपर होगा या फिर बिहार गए तो बिहार का ही टॉपर होगा। लेकिन ये पहली बार ट्रेंड टूटा है और ये PCS एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। जहाँ तक मुझे पता है BPSC में और UPPCS में भी ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, राजस्थान और MP में थोड़ी ज़्यादा लेवल पे होती है। ठीक है, कई बार जो है उत्तराखंड वालों को भी बोलते हैं ऐसा, लेकिन बिहार और UPPCS के बारे में तो मुझे पता है। तो ऑल द बेस्ट है सभी लोगों का, जिनका नहीं भी हुआ है वो लगातार लगे रहिए, मेहनत रंग जरूर लाएगी। ठीक है, और वैसे मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ इंटरव्यू अभी तक लेना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जो यूट्यूब चैनल वाले हैं या फिर बाकी जो कोचिंग वाले हैं, वो उनसे लोग भले ही स्टूडेंट ना हो उनके, लेकिन वो खरीद के इंटरव्यू दिला देते हैं। तो हमारा ये कभी भी मोटिव नहीं था, हम चाहते थे हमेशा से कि अगर हमारे स्टूडेंट का खुद सिलेक्शन होगा और खुद वो अप्रोच करेंगे तब हम इंटरव्यू लेंगे। तो अभी 2 लोगों से बात हुई है मेरी और 2, एक UPPCS
कि डीएसपी और प्लस एक बीपीएससी के एसडीएम, इन दोनों का इंटरव्यू लेंगे। 18 से 22 का जो है यूपीपीसीएस का मेंस हो जाए, उसके बाद बहुत जल्दी लेंगे। मैं खुद इसका जो है इन दोनों का इंटरव्यू लूँगा, प्लस और भी कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात चल रही है, तो इन लोगों का जो है इंटरव्यू लूँगा मैं खुद यहाँ पे जो है अपने घर में, या फिर उनके सुविधा अनुसार उनके पास जाके। तो ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक इंटरव्यू होगा, और प्लस जो है सारे सवाल एकदम, कोई भी वैसा नहीं होगा, बिल्कुल कोई फेक वाली चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल जो भी होगा साफ होगा, एकदम स्पष्ट होगा। जैसे हमारे वीडियोज़ और पीडीएफ की पॉलिसी स्पष्ट है, वैसे इंटरव्यू की पॉलिसी भी स्पष्ट है कि हम किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू तभी लेंगे जब वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो अगर आप भी जो है कभी ना कभी बने, तो अगर आपको लगे ऐसा कि हमने आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तब आप जो है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।